नर्सिंग स्टाफ की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। पोलाय कला बीएमओ बोले कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पिछले 10 जुलाई से नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल के चौथे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोलाय कला पर भी नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में ही मरीजों को चिकित्सालय में भर्ती किया जा रहा है। हड़ताल के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे अस्पताल में भर्ती मरीजों का उपचार कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है हमें सरकार से हमें 10 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसका हमने चरणबद्ध तरीके से मतलब 3 तारीख से हमने ज्ञापन दिया। 3 तारीख को हमारा जो भी आंदोलन का था, हमने बीएमओ हमारे एमओ जो प्रभारी है उनको माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री सचिव है उनके लिए हमने ज्ञापन दिया। और ये जो हड़ताल है हमारी कार्यबंध हड़ताल 10 तारीख से हम कर रहे हैं, जिसमें 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांगे कि हमें सेकेंड ग्रेड चाहिए। अन्य जो केंद्र है वहाँ पे सेकेंड ग्रेड है और नर्सिंग ऑफिसर नाम भी उनका दिया गया। हमें तो अभी कुछ महीनों पहले हमारा नर्सिंग ऑफिसर नाम हमें आदेश के थ्रू मिला गया है और हम हैं 2020 से पोस्टेड है, तो हमें 70-80-90 का हमें वेतन दिया गया। बल्कि हमारे जो सीनियर थे उनकी पोस्टिंग के साथ उन्हें 100% वेतन मिला और सिर्फ 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड था और हमारा 3 वर्ष का किया। और हमें कितना सारा मतलब इसमें नुकसान झेलना पड़ा, 70-80-90 अभी भी हमको 90% में ही मिल रही है। और सैलरी और 7वां वेतन मान जो है 2016 से लागू किया गया, उसका भी मान हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। मैम किस लेवल पे कर रहे हैं आप, मध्य प्रदेश लेवल पे या जिला लेवल पे? पूरे स्टेट लेवल पे ये स्ट्राइक है। अन्य हमारे शाजापुर जिला को मिला के और जितने भी जिले हैं सब जगह ये हो रही है हड़ताल। कब तक समाप्त तो हो पाएगी या कब काम पे आएंगे आप, कब लौटेंगे? जब तक हमें आदेश नहीं मिल जाता कि हाँ आपकी जो भी सूत्री मांगे हैं हम उस पर कुछ एक्शन या कुछ ले, तब तक ये कार्य बंद नहीं होगा। आज हमारा 4था दिन है स्ट्राइक करने का। मैं भी कई बार हड़ताल पहले भी की है, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी मांगों का कोई निराकरण नहीं हुआ है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे, जब तक हमको आदेश नहीं दिया जाएगा। मैम अभी क्या काम चालू है, बंद क्या इलाज कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? अभी हम काम बंद है, 10 तारीख से बंद कर रखा है हमने काम। अपने केंद्र से कुल कितनी संख्या होगी? 250 के लगभग होगी। हम लोगों ने CHO द्वारा बाहर से हमारी फील्ड के वर्कर्स हम लोगों को बुलाया गया है, जिसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमारे मरीजों पर। स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही? पूरी तरह से हमारी तरफ से पूरी मिल रही, कोई कमी नहीं आ रही उस चीज़ों में। पोलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।